हेलो फ्रेंड्स वेलकम ऑल ऑफ यू टुडे इन दिस वीडियो वी लर्न अबाउट द हाउ टू मेक नर्सिंग केयर प्लान दिस वीडियो एयर वी मेक ए नर्सिंग केयर प्लान ऑन फीवर और हाइपर तर्मिया दिस इज़ अ वेरी इम्पोर्टेंट नर्सिंग केयर प्लान तो आइए देखते हैं हम किस तरह से नर्सिंग केयर प्लान को तैयार करते हैं एनसीपी फीवर और हाइपरथर्मिया। तो फ्रेंड्स हमने यहाँ एक नर्सिंग केयर प्लान तैयार किया है हाइपर थर्मिया है फीवर का जिसमें हमारा फर्स्ट नर्सिंग डायग्नोसिस आफ्टर द दसेसमेंट वी मेक नर्सिंग डायग्नोसिस एयर तो सबसे पहले देखते हैं नर्सिंग केयर प्लान का फर्स्ट स्टेप असेसमेंट एयर दिस इज फर्स्ट स्टेप असेसमेंट असेसमेंट सब्जेक्टिव डाटा पेशेंट सेट वार्म पेशेंट ने कहा है कि वो एक तरह से वार्म या उसको फीवर लाइक फीलिंग हो रहा है नेक्स्ट हमने यहाँ नर्सिंग डायग्नोसिस तैयार किया है डायग्नोसिस हाइपरथर्मिया रिलेटेड टू इंक्रीज मेटाबॉलिक रेट एज एविडेंस बाय इंक्रीज इन बॉडी टेम्परेचर ऑब्जर्व फॉर हायर देन नॉर्मल रेंज मीन्स हमारा यहाँ नर्सिंग डायग्नोसिस है हाइपरथर्मिया रिलेटेड टू इंक्रीज मेटाबॉलिक रेट हाइपरथर्मिया जो पेशेंट की मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज होने के कारण जिसको हमने एविडेंस किया है वाई द इंक्रीज बॉडी टेम्परेचर ऑब्जर्व फॉर द हायर देन नॉर्मल मीन्स पेशेंट का जो बॉडी टेम्परेचर है नॉर्मल से बहुत अधिक है तो ये हमारा फर्स्ट नर्सिंग डायग्नोसिस है नर्सिंग केयर प्लान ऑन हाइपर थर्मेर फीवर का नेक्स्ट गोल टू रिड्यूज़ बॉडी टेम्परेचर हमारे यहाँ पर गोल होगा बॉडी टेम्परेचर को रिड्यूज़ करना नेक्स्ट इंटरवेंसन देन इम्प्लीमेंटेशन एंड एवेल्यूशन तो इंटरवेंसन देखते हैं फर्स्ट हाइपर थर्मिया के लिए मोनिटर क्लाइंट्स टेम्परेचर डिग्री एंड पैटर्नस फर्स्ट हम मोनिटर करेंगे क्लाइंट का कितना टेम्परेचर है किस तरह से फीवर आ रहा है कब अधिक हो रहा है तो हमारा इंप्लीमेंटेशन होगा मीन्स वाट एक्शन वी डू ऑन इंटरवेंसन एयर मोनिटर्ड क्लाइंट टेम्परेचर डिग्री एंड पैटर्न मीन्स हमने यह इंटरवेंसन कम्प्लीट कर लिया है कि हम पेशेंट का टेम्परेचर ले चुके हैं और उसका फीवर का पैटर्न असेस कर चुके हैं तो ये तो हमारा फर्स्ट इंटरवेंशन नेक्स्ट सेकेंड इंटरवेंशन ऑब्जर्व फॉर सेगिंग चिल और प्रोफ्यूज स्वेटिंग हमने ऑब्जर्व किया है असेस किया है कि पेशेंट को कप कपी के साथ बुखार है तेज पसीना आ रहा है तो इम्प्लीमेंटेशन हो गया यहां पर ऑब्जर्व फॉर सेकिंग चिल्स एंड स्वेटिंग नेक्स्ट इंटरवेंशन है मॉनिटर इन्वायरमेंटल टेम्परेचर इसका इम्प्लीमेंटेशन होगा मॉनिटर्ड इन्वायरमेंटल टेम्परेचर इसके साथ साथ हम इन्वायरमेंटल टेम्परेचर भी मॉनिटर करेंगे नेक्स्ट इंटरवेंशन देखते हैं लिमिट और एड बेल्डिनन एज इंडिकेटेड मीन्स पेशेंट को हम यदि ज़्यादा उसको कप कपी लग रही है फीवर है तो बेड लेन कितने देना है कितना लिमिट करना है ये सारे बताएंगे सेम इम्प्लीमेंटेशन से है लिमिट और एड बेड लेन एज इंडिकेटेड नेक्स्ट प्रोवाइड कूलिंग ब्लैंकेट्स और इसका इम्प्लीमेंटेशन इम्प्लीमेंटेश प्रोवाइडेड कूलिंग ब्लैंकेट्स नेक्स्ट

स्टेज ऑफ नर्सिंग प्रोसेस दैट इज नर्सिंग आफ्टर द नर्सिंग इंटरवेंस द क्लाइंट टेम्परेचर इज रिड्यूज विद इन द नॉर्मल रेंज इन्स सारे इंटरवेंसन्स के बाद हम टेम्परेचर को रिड्यूज पाएंगे और यह उसके नॉर्मल रेज मीन्स नाइन्टी एट पॉइंट सिक्स डिग्री फेरनाइड तक टेम्परेचर रिड्यूज़ होगा तो ये था हाइपर थर्मिया फर्स्ट नर्सिंग डायग्नोसिस नेक्स्ट देखते हैं नर्सिंग डायग्नोसिस नंबर सेकंड ऑफ दिस नर्सिंग केयर प्लान एन सी पी ऑन फीवर हाइपर थर्मिया का सेकंड नर्सिंग डायग्नोसिस है हमारे यहाँ पर फ्लूड वॉल्यूम डेफिसिट रिलेटेड टू द इनटेक ऑफ लेस मीन्स जो फ्लूड वॉल्यूम है पेशेंट का कम आ रहा है क्योंकि वो टीक से इनटेक नहीं ले रहा तो इसका फर्स्ट स्टेप देखते हैं नर्सिंग असेसमेंट सब्जेक्टिव डाटा पेशेंट सेज दैट आई एम फीलिंग थ्रस्ट नर्सिंग असेसमेंट मीन्स पेशेंट को अधिक प्यास लग रही है पेशेंट ने ऐसा बोला है नर्स से नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव डाटा असेस रिफाइंड टेस्ट ऑफ द पेशेंट मिस इसके साथ साथ हम पेशेंट से बार बार पूछेंगे कि आपको किस तरह से लग रहा है क्या टेस्ट है ड्राई माउथ तो नहीं है इस तरह से तो नर्सिंग डायग्नोसिस फ्लूड वॉल्यूम डेफिसिट रिलेटेड टू इनटेक ऑफ लैस कॉल होगा टू मेंटेन फ्लूड वॉल्यूम ऑफ द बॉडी कॉल होगा हमारा टू मेंटेन फ्लूड वॉल्यूम इन द बॉडी मीन्स हमको फ्लूड लेवल को मेंटेन करना है नेक्स्ट इंटरवेंशन इम्प्लीमेंटेशन एंड एवेल्यूशन नेक्स्ट स्टेप फर्स्ट इंटरवेंशन दैन इम्प्लीमेंटेशन एंड एवेल्युएसन तो सबसे पहले देखते हैं इंटरवेंशन नंबर फर्स्ट मेजर द यूरिन आउटपुट एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी द इसका इम्प्लीमेंटेशन का मेजर द यूरिन आउटपुट एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी द नेक्स्ट इंटरवेंशन मोनिटर ब्लड प्रेशर एंड हार्ट रेट इसका इम्प्लीमेंटेशन होगा मोनिटर्ड ब्लड प्रेशर एंड हार्ट रेट मीन्स हम ये एक्शन कर चुके हैं फोर इंटरवेंसन तो नेक्स्ट डू पालपेशन ऑफ द पेरीफेरल पल्स तो इसका इम्प्लीमेंटेशन होगा पालपेट द पेरीफेरल पल्स तो नेक्स्ट इंटरवेंसन देखते हैं रिव्यू फॉर ड्राई म्यूकस मेम्बर एंड रिफाइंड स्टेट मीन्स हम पेशेंट का ऑरल म्यूकस मेम्बर देखेंगे और टेस्ट के बारे में पूछेंगे इस कंट्रवेंशन होगा रिव्यू ड्राई म्यूकस मेम्बर एंड रिफाइंड टेस्ट नेक्स्ट कोलेबोरेट फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन इफ़ आई वी फिलूड एज नीडेड तो पेशेंट से आई वी फिलूड के बारे में बताएँगे कि क्यों जरूरी है इससे क्या होगा फ्लूड वॉल्यूम लेवल बढ़ेगा तो इसका इम्प्लीमेंटेशन हुआ कोलाबोरेशन फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन इफ आई फ्लूड इज एज इंडिकेटेड नेक्स्ट मॉनिटर लेबोरेटरी वैल्यूज तो इसमें इम्प्लीमेंटेशन मोनिटर लेबोरेटरीज वैल्यूज नेक्स्ट देखते हैं आफ्टर गिविंग दिस इंटरवेंशन टू पेशेंट वी फाउंड एयर द फ्लूड वॉल्यूम इज मेनटेन इन द नॉर्मल रेंज मीन्स जो पेशेंट का फ्लूड वॉल्यूम है वो नॉर्मल रेंज पर पहुँच चुका है तो ये था सेकेंड नर्सिंग डाइग्नोसिस फ्लूड वॉल्यूम डापेसिट रिलेटेड टू इन टेक ऑफ लेस नेक्स्ट देखते हैं नर्सिंग डायग्नोस नंबर थर्ड नेक्स्ट नर्सिंग डायग्नोसिस थर्ड इम्पेयर्ड स्किन इंटरगेटिव रिलेटेड टू स्वेटिंग ड्राइनेस एज एबिडेंड बाई हेल्थ असेसमेंट मीन्स पेशेंट का जो स्किन इंटरगेटिव वो वो एक तरह से इम्पेयर्ड है इसको हमने एबिडेंसड किया है बाई स्वेटिंग ड्राइनेस डिहाइड्रेशन आफ्टर द हेल्थ असेसमेंट तो इसमें नर्सिंग असेसमेंट देखते हैं फर्स्ट पेशेंट्स इज दैट आई एम फीलिंग ड्राईनेस क्रैकल ऑफ लिप्स मीन्सटर टेकिंग सब्जेक्टिव डाटा पेशेंट ने बताया कि वो एक तरह से ड्राई फील कर रहा है उसके लिप्स सूख रहे हैं इस तरह से नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव डाटा देखते हैं पेशेंट स्टेन सो देट ही इज हैविंग एम्पेयर स्किन न्यूट्रीगट मीन्स आप अपने पेशेंट का स्किन चेक किया तो उसका स्किन इम्पेयर्ड में से एक तरह से स्किन इंट्रीटी ठीक नहीं है तो इसका डायग्नोसिस इम्पेयर्ड स्किन इंट्रीग्रेटी रिलेटेड टू स्वेटिंग डिहाइड्रेशन एज बाय द एजिडेंस बाई दीन्स डिहाइड्रेशन के कारण पेशेंट का स्किन इंट्रीग इम्पेयर्ड है इसको हमने हेल्थ असेसमेंट में असेस किया है गोल हो गया बे टू मेंटेन स्किन एंट्रीगेटी द नेक्स्ट स्टेप ऑफ नर्सिंग प्रोसेस इंट्रवेंशंस इम्प्लीमेंटेशन एवेल्यूशन इंटरवेंशन नंबर फर्स्ट असेस साइन ऑफ इम्पएड स्किन एंट्रीगेटी इसका यहाँ इम्प्लीमेंटेशन होगा असेस्ड साइन ऑफ स्किन एंट्रीगेटी नेक्स्ट ऑब्जर्व फॉर द एनी रेशनल रेसेज अल्सरेशंस मीन्स हम स्किन पर कोई भी रेसेस या अल्सेशन चेक करेंगे तो इसका इम्प्लीमेंटेशन को ऑब्जेक्ट फॉर द एनी रेशन एंड रेश इरीटेश नेक्स्ट प्रोटेक्ट स्किन एंड प्रिवेंट प्रोटेक्ट एंड स्किन प्रिवेंट मीन्स हमको स्किन को, को केयर रखना है और जो भी इम्पेयरमेंट है उसको प्रिवेंट करना है नेक्स्ट मेक श्योर क्लाइंट इज नॉट रविंग स्किन इसके साथ साथ हमको देखना है कि क्लाइंट स्किन को रब नहीं करे नेक्स्ट कट नेल शॉर्ट पेशेंट के शॉर्ट नेल शॉर्ट करने जिससे कि वो स्किन को इरिटेट इरिटेट नहीं करे वहाँ अल्सरेशन के चांसेस हो सकते हैं, नेक्स्ट अप्लाई क्रीम और लुब्रिकेट जेल और स्किन एट रेगुलर इंटरवल्स ये हमको अप्लाई करना है जिससे कि स्किन एक तरह से हो, अच्छा जो नॉर्मल इसका अपेरेंस है तो इसका इंप्लीमेंट इस होगा अप्लाइड क्रीम और लुब्रिक ऑन स्किन एज रेगुलर इंटरवेंस इंटरवेंशन मेंटेन स्किन हाइजीन एट एंड ऑरल हाइजीन मींस हमको पेशेंट का स्किन हाइजीन मेंटेन करें इसके साथ साथ औरल आइजन भी मेंटेन करना है टू प्रिवेंट द ड्राइनेस ऑफ द लेक एंड ऑरल म्यूकोसा आल्सो मेंटेंसन द इम्प्लीमेंटेशन ऑरल नेक्स्ट गिव स्पेशल अटेंशन द प्रेशर पॉइंट मीन्स हमको एक तरह से जो प्रेशर पॉइंट जहाँ बैड शोर के चांसेस होने उसको भी एक तरह से केयर करना है तो इसमें इम्प्लीमेंटेशन का गिवेन स्पेशल अटेंशन प्रसर पॉइंट तो ये इम्प्लीमेंटेशन नेक्स्ट लास्ट स्टेप ऑफ नर्सिंग प्रोसेसर दर्सिंग इंटरवेंशन क्लाइंट स्किन इंट्रीग्रिटी इज में नॉर्मल कंडीशन मीन्स आफ्टर दीज इंटरवेंशन वी फाइंड एयर द्लाइंट नाउ क्लाइंट इजिंग नॉर्मल स्किन इंट्रग्रिटी नो ड्राइनेस ऑफ माउथ और नो क्रैक्स ऑन लिप्स तो ये था हमारा नर्सिंग डायग्नोसिस नंबर थर्ड ऑन नर्सिंग केयर प्लान ऑफ फीवर और हाइपरथर्मिया फ्रेंड्स आपको वीडियो कैसा लगा इसके लिए अपने लाइक्स कमेंट जरूर भेजिएगा और अपने वीडियो को अपने फ्रेंड्स से, से शेयर कीजिएगा एंड हमारे यूट्यूब चैनल आनंद नर्सिंग फाइल को सब्सक्राइब कीजिएगा हमने यहाँ पर बहुत सारे नर्सिंग नर्सिंग केयर प्लान केस स्टडीज़ बैड साइड प्रजेंटेश नर्सिस नोट्स इंस्ट्रूमेंट्स और भी बहुत सारा नर्सिंग रिलेटेड मटेरियल डाल रखा है तो ये आपके एग्जामिनेशन में बहुत हेल्प करेगा इन यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन एंड आल्सो रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड प्रेस वेल आई कैन ऑलसो थैंक यू